أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. सूरतुल निसा पांचवे पारे की दो आयतें पढ़ी गई हैं, 58 और 59, 58 और 59 वाली दो आयतें पढ़ी गई हैं। इसमें अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि तुम अमानतों को और हकूक को उनके जिम्मेदारों तक पहुंचा दो, उसके अहल तक पहुंचा दो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ से फैसला करो। बेशक अल्लाह ताला जिस बात की तुमको नसीहत करते हैं वो बहुत बेहतरीन नसीहत है। बेशक अल्लाह ताला खूब सुनते हैं, खूब देखते हैं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहले हुकूमत की इताअत करो। जब किसी बात में इख्तलाफ होने लगे अल्लाह रसूल के हवाले करो, अगर तुम्हें अल्लाह और क़यामत पर ईमान है। ये बेहतरीन बात है और इसका अंजाम भी बेहतर है। तीसरी आयत है, अलम तरा इलल लदीन यज़ुमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि हम उस किताब पर भी ईमान लाए जो आप पर नाजिल की गई, कुरान पर, और उन किताबों पर भी ईमान लाए जो आपसे पहलों पर उतरी गई, फिर वो अपना मुकदमा शैतान के पास ले जाते हैं, हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो शैतान की ना माने, और शैतान तो उन्हें बहुत दूर भटका कर ले जाना चाहता है। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. और जब इन लोगों से कहा जाता है कि आओ, जो कुछ अल्लाह ने उतारा है कुरान की तरफ आओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, तो आप मुनाफिकों को देखेंगे कि वो आपके पास आने से लोगों को रोक रहे हैं।
देखिए सबसे पहली बात हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान की हर रुकू या हर आयत ऐसा है जैसे कि एक खत का मजमून होता है। बाप बेटे को खत लिखता है, हाकिम महकूम को खत लिखता है, तो जो जरूरत का पैगाम होता है, जरूरत का जो मैसेज होता है वो दे दिया जाता है। जिस तरीके से एक फौजी अपने साथियों की रहबरी करता है, इधर से हमला उधर से हमला, ऐसे अपने आप को बदलो, ऐसे ही अल्लाह जल्ला जलालहु अम्मा नवालहु की तरफ से शरीयत के अहकाम आते रहते हैं। हमें यकीन करना चाहिए हमारा बनाने वाला अल्लाह हमें सबसे ज्यादा जानते हैं। अला यालम मन खलका वहुव लतीफुल खबीर। मशीन तो उसी गाइडलाइन के मुताबिक सही चलेगी जो बनाने वाले ने साथ में किताब में बुकलेट में छाप कर दिया है। हमारी जिंदगियां सही रुख पर जब ही चलेंगी, ये इंसानी जिस्म का मशीन जब ही सही चलेगा जबकि इसको कुरान के मुताबिक चलाया जाए। एक और मिसाल सईद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह देते थे कि जैसे कार का हेडलाइट हेडलाइट की जगह पर आ जाए, स्टेरिंग स्टेरिंग की जगह पर आ जाए, पेट्रोल पेट्रोल की जगह पर आ जाए तो गाड़ी मंजिल को पहुंच जाती है। कुरान की जो आयत जिंदगी के जिस हिस्से से मुताल्लिक है वो आयत उस हिस्से में जिंदा हो जाए तो ये 5 फीट की मशीन जन्नत तक पहुंच जाएगी। ये जो आयत पढ़ी गई है इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, इस आयत के नाजिल होने का उतरने का एक वाकया है। बतौर खास हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा फतह किया, काबे की चाबी हजरत उस्मान बिन अबी तलहा शैबी खानदान है उसके पास ये चाबी रहती थी। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का मुकर्रमा फतह होने के बाद जब काबतुल्लाह की चाबी हाथों में आई, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ने चचा ने कहा कि अब मुझे काबे की चाबी दे दी जाए। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस मौके पे ये आयत नाजिल हुई कि नहीं नहीं, चाबी तो उन्हीं को दी जाएगी जो पहले से इस काबतुल्लाह की चाबी को संभाल लिया करते थे, अहले हुकूक को उनका हक दे दिया जाए, अहले हक को उनके हुकूक दे दिए जाए। इससे पता चलता है कि जो आदमी जो सलाहियत रखता हो उसको उसकी स्किल्स के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। महज रिश्तेदारी दोस्ती मोहब्बत की वजह से ना अहल को ना लायक को सलाहियत नहीं रखने वाले को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इज्तिमाई जिंदगी में इंफरादी जिंदगी में इंडिविजुअल लाइफ में सोशल जिम्मेदारियों में तंजीमों में जमातों में महज मोहब्बत की वजह से किसी को जिम्मेदारी न दी जाए बल्कि अहलियत की वजह से क्वालिफिकेशन की वजह से काबिलियत की वजह से जिम्मेदारी दी जाए, कराबत और रिश्तेदारी की वजह से जिम्मेदारी न दी जाए। दूसरी आयत है वइदा हकमतुम बैनन्नासी अन तहकुमू बिल अदल,
और जब आप लोगों के दरमियान फैसला करें, इंसाफ से फैसला करें। एक माँ अपने बच्चों के दरमियान, एक बाप अपनी औलाद के दरमियान, एक सास अपनी बहुओं के दरमियान, एक मालिक अपने मजदूरों के दरमियान, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के दरमियान, जब वो फैसला करे, इंसाफ से फैसला करे, ये बहुत बड़ी बात है। अगर अदल और इंसाफ होगा तो अमन और पीस बाकी रहेगा। अगर अदल और इंसाफ नहीं होगा, बदअमनी आ जाएगी और सुकून मुल्कों का, बस्तियों का खत्म हो जाएगा। ये अल्लाह से डरने की बहुत बड़ी बात है। आदमी जायदाद तकसीम कर रहा है अपने बेटों में, इंसाफ करे। जिंदगी में देना है, बेटे बेटियों को बराबर देना है। मरने के बाद देना है तो रुपये आठाने मीरास के मुताबिक देना है। हदीस में वाकया है, जायदाद तकसीम करने के दीन को भी सीखो। हजरत नौमान इब्ने बशीर की वालदा ने, उमरा बिनते अबी रवाहा ने जमीन लिखवा दी, या रसूल अल्लाह आप गवाह हो जाइए, ये जमीन मेरे बेटे नौमान को मेरे शोहर बशीर ने दे दिया। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि और बच्चों को भी दिया? नहीं नहीं और बच्चों को नहीं दिया, सिर्फ इसी को दे रहे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता, मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता। जॉइंट फैमिली में एक पोतरे से प्यार किया, दूसरे से नहीं किया, एक बहू को नजदीक किया, दूसरी को दूर कर दिए, एक का चूल्हा जल्दी अलग कर दिया, एक का देर से कर दिया। ये नाइंसाफियां दिलों को फाड़ देती है, औलाद के दरमियान जोड़ बाकी नहीं रहता। इंसाफ। दूसरी आयत है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु। मोहब्बत में भी बेइंसाफी ना करो और अदावत में भी बेइंसाफी ना करो। आदमी ज्यादा खुश होता है तब भी फैसला सही नहीं करता, ज्यादा गुस्से में होता है तब भी सही फैसला नहीं करता। इसीलिए मुफ्ती साहब को, काजी साहब को कहा गया शरीयत में कि ज्यादा गुस्से में भी मसला ना बताए और ज्यादा खुशी में भी मसला न बदला। आदमी की हालत मोतदिल और नॉर्मल नहीं रहती है। प्रमोशन देना है, तनख्वाह बढ़ाना है, मुलाजिमों के दरमियान बर्ताव करना है, हरगिज हरगिज आदमी महज मोहब्बत की वजह से फैसला न करे, काबिलियत और अहलियत की वजह से फैसला करे। अल्लाह से डरने की बात यही होती है। दूसरी आयत है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और मुसलमान हुकूमत के सरबराहों की इताअत करो। बेलगामी की जिंदगी, बिखरी हुई जिंदगी, टूटा हुआ मुआशरा और बटा हुआ खानदान, ये पसंद नहीं किया गया। इताअत के जरिए से पूरी उम्मत को जोड़ा गया, ये भी अजीब बात है। करोड़ों खुदा के मानने वाले एक हो जाते हैं, एक खुदा के मानने वाले करोड़ों हिस्सों में बट जाते हैं। जोड़ने की बुनियाद इताअत अल्लाह की, इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो उनके नाइबीन की, वारिसीन की, उलमा की, अल्लाह को अगर शरीयत बाकी रखना है तो अल्लाह वाले माहिर फतवे और तकवे वाले उलमा को भी बाकी रखना है।
शरीयत का बाकी रहना किताबों का बाकी रहना नहीं है, शरीयत का बाकी रहना अहले हक उलमा का बाकी रहना है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि उलमा ही नहीं है, सब बिके हुए हैं, ऐसा कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कह सकता है। मार्केट में कोई चीज है तभी तो अल्लाह ने खरीदने के लिए कहा, अहले हक उलमा को रखा तभी तो पूछने के लिए कहा। फसअलु अहले दिक्री इन कुंतुम ला तअलमून, इल्म का उठा लिया जाना उलमा का उठा लिया जाना है। जो उलमा शरीयत की नुमाइंदगी, जिनको देखकर शरीयत समझ में आती है, ऐसे उलमा का उठा लिया जाना, शरीयत का उठा लिया जाना है, कुरान का उठा लिया जाना है। तो इससे पता चला कुरान भी जरूरी है, हदीस भी जरूरी है, फिकह भी जरूरी है। ये मुतालबा नहीं कर सकता कोई, कुरान में है तो बताओ, आप जो बोल रहे हो कुरान में कहा है बताओ। तो दलील सिर्फ कुरान नहीं है, दलील सिर्फ हदीस नहीं है, बल्कि दलील फिकह भी है। हजरत इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इनके जो चारों स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, मकातिब फिक्र हैं, इन्होंने 1200 साल से और इनके इत्तेबा करने वाले मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुतकल्लिमीन, सूफिया, मुअर्रिखीन, पूरे 1200 साल में 100% दो चार आदमियों को छोड़कर 100% उम्मत इन चारों मसलकों में से किसी एक की ही मानने वाली थी। तफसीर इब्ने कसीर आप पढ़ते हैं, वो शाफई थे। आप अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जानते हैं, वो हम्बली थे और इस्लामिक वर्ल्ड के बड़े चीफ जज गुजरे हैं। काजी अबू यूसुफ वो पक्के हनफी थे। तुर्की में 625 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, वो पक्के हनफी और मातुरीदी थे। यहां पर मुगलिया सल्तनत में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फतवा हिंदिया हनफी मसलक के मुताबिक थी। मिस्र शाफई रहा, अदालतों में हनफी मसलक चलता रहा। तो कुरान खुद कहता है कि जब तुम्हें किसी मसले में उलझन हो, कुरान और हदीस में वाज़ह तौर पर पता न चले, तो फिर तुम्हें अहले हक उलमा की तरफ रुजू होना है। फरुद्दूहू इलल्लाही वर रसूली। यूट्यूब पर जो भी डाढ़ी टोपी वाला नजर आ जाए, गूगल पर जो भी इस्लामिक वेबसाइट समझ में आ जाए, ये तो सिवाय कंफ्यूजन और सिवाय जहनी इंतशार और सिवाय हमारी गुमराही के और कुछ जरिया नहीं बनेगा। रिजालुल्लाह भी चाहिए, किताबुल्लाह भी चाहिए। इल्म हकीकत में सोहबत से लिया जाता है और सख्त मजबूरी में मुत्तकी और मुस्तनद ऑथराइज्ड जो उलमा है उनसे लिया जाता है। उलमा कौन है? जिनको उलमा कहें कि वो आलिम है। डॉक्टर कौन है? जिनको डॉक्टर कहें कि ये डॉक्टर है। जो आदमी भी कुरान हदीस का रेफरेंस दे वो आलिम नहीं होता है। जिनको उलमा मना कर दे कि इनको मत सुनो, वो आलिम नहीं हो सकता है। एक हजाम ने बादशाह की हजामत बनाई, बादशाह की आंख लग गई, सोते सोते हजामत बना दिया। बादशाह उसके फन से बहुत मुतासिर हुआ और उसको बेहतरीन हजाम का अवार्ड देना चाहा। बेहतरीन हजाम का अवार्ड दिया गया। वो खुशी खुशी अपना अवार्ड लेकर बीवी के पास आया, कहने लगा देखो मैं कितना बड़ा बाकमाल हूं, मुझे बेहतरीन हजाम का अवार्ड दिया गया। तो बीवी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई, कोई खुशी का इजहार नहीं किया।
बीवी ने कहा, क्या बादशाह हजामत का फन जानता है? कहा, नहीं जानता। तो आपको वो अवार्ड दे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेयार होगा, जो हजामत का फन जानता। जो हजामत का फन ही नहीं जानता वो तुम्हारे प्रोफेशनल होने को, तुम्हारे फनकार होने को क्या जानता है? वो तुम्हें अवार्ड देने का मुस्तहिक नहीं, उसका देना मोतबर नहीं। साहिब फन देना चाहिए, उस फन को जानने वाला देना चाहिए। उलमा कहें कि ये आलिम है, जितने फनून का जानना जरूरी है, तफसीर, हदीस, नहव, सर्फ, अरबी जबान, बलागत, मंतिक, आलिम कोर्स में आम तौर पर जितने फन पढ़ाए जाते हैं, वो फन पढ़े बगैर किसी को आलिम नहीं कहा जा सकता। ये दो आयतें हैं, खास तौर पर हमारे मुआशरे में इसकी जरूरत इसलिए भी है कि दो जगह पर मुसलमान के मुसलमान होने का इम्तिहान होता है, एक शादी में, शादी तलाक में, और तकसीम जायदाद और कारोबार में। यहां पर आदमी पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां भी चढ़ जाता है, यहां पर वकीलों के सामने अपनी बेटियों को बेपर्दा तो करता है लेकिन उलमा की मजलिस में नहीं ले जाता है, वकालत की फीस तो देता है, दारुल कजा कायम नहीं करता है। उम्रें बीत जाती हैं, जनाजे उठ जाते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के झगड़े खत्म नहीं होते हैं, तकसीम जायदाद के झगड़े खत्म नहीं होते। ये आगे की आयत है जो बहुत अहम जुड़ी हुई है इस मजमून के साथ। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो जबानी तौर पर तो कहते हैं हम कुरान पर ईमान लाए, पिछली किताबों पर ईमान लाए, और उसके बाद वो अपना मुकदमा शैतान के पास ले जाते हैं, वो कुरान के जानने वालों के पास नहीं जाते, शरीयत के जानने वालों के पास नहीं जाते। सास बहू का जब मसला होता है, बेटी दामाद का जब मसला होता है, तुम्हारा बहुत बैठना होता है इसमें। हक का फैसला नहीं चाहते लोग, हक में फैसला चाहते हैं, अपने फेवर में कहलवाना चाहते हैं, अपनी इस्लाह नहीं चाहते हैं। उसके पास आदमी जाना चाहता है जो उसको फरिश्ता करार दे, उसके पास जाना नहीं चाहता है जो उसकी इस्लाह करे और उसका करेक्शन करे। दुनिया की कोई अदालत ऐसा फैसला नहीं कर सकती जो दोनों ग्रुप के लिए, दोनों ग्रुप के फेवर में हो। दुनिया की कोई अदालत ऐसा फैसला नहीं कर सकती, जरूर फैसला एक के मुआफिक होगा, एक के मुखालिफ होगा, एक के फेवर में होगा, एक के अगेंस्ट होगा, लेकिन ये शरीयत की अदालत है। हजरत शाह जमाल रहमान साहब फरमाते हैं, ये अदालत ऐसी है कि यहां पे हारने वाला भी जीतने वाला है, हारने वाला भी जीतने वाला है, इसलिए जीत रहा है कि वो अल्लाह के हुक्म पर जमा हुआ है, इसलिए वो जीत रहा है कि वो अल्लाह के हुक्म पर जमा हुआ है। और दुनिया की अदालतों में जीतने वाला भी हारने वाला है, इसलिए कि वो शैतान के कानून पर चल रहा है, वो नफ्स का बंदा बन चुका है, वो ताऊत का गुलाम बन चुका है। न मूसा पीर, न ईसा पीर, नफ्स बड़ा पीर। आदमी अच्छे अच्छे पीर को ठुकरा देता है जब अना की बात आती है, जब गुस्से की बात आती है। असल इसका एक वाकया है, बहुत अजीब वाकया है। एक मुनाफिक था, उसका नाम था बिशर। उसका झगड़ा हो गया एक यहूदी के साथ, तो उन दोनों ने कहा चलो फैसला कराने चले। लोग फैसला कराने के लिए पता नहीं किन किन चबूतरों पर जाते हैं और किन किन लोगों के पास जाते हैं।
जमाना भी अजीब है, आग में तेल डालने का मशवरा देने वाले ज्यादा होते हैं, पानी डालने का मशवरा देने वाले कम होते हैं, खुला के मशवरे में जल्दबाजी करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन खुला ली हुई लड़की से निकाह करने वाले नहीं मिलते। कोरोना में कोरोना खत्म हो जाए बाद में से शादी करेंगे, 24 साल की उम्र थी 26 साल हो गई, जिन्होंने शादियों को रोका था वही कह रहे 26 साल हो गई इससे कौन शादी करेगा। समाज बड़ा जालिम है, समाज के बहाव में ना जाओ, समाज तुम्हें कहीं का नहीं रखेगा। रिश्ते लाने वाले कम मिलेंगे, रिश्तों में कीड़े निकालने वाले ज्यादा मिलेंगे। बीवी की 100% भलाई इसी में है कि वो जायज चीजों में अपने शौहर से वफादारी करे, बेटी की 100% भलाई इसी में है कि वो अपने बाप से वफादारी करे, मुलाजिम की 100% भलाई इसी में है कि वो अपने नाजिम और एम्प्लाई से भलाई करे, बाहर वालों से नहीं, अजनबियों से नहीं, दोस्तों से नहीं, अपने बाप अपने भाई अपनी मां से नहीं। ये तो नादान है, शोहर नहीं ला सकते, शोहर नहीं बन सकते। इसीलिए हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को शोहर के खिलाफ उकसाने वाले और नौकर को मालिक के खिलाफ उकसाने वालों के बारे में फरमाया, वो मुसलमान नहीं है, वो कामिल मुसलमान नहीं है। लैस मिन्ना मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा अव अब्दन अला सय्यिदिही, लैस मिन्ना, वो हम में से नहीं है, क्यों उकसा रहे हैं। इन दोनों में झगड़ा हुआ, यहूदी में और बिश्र मुनाफिक में, तो दोनों सोचने लगे कहां जाना है। तो सोचा कि काब बिन अशरफ, ये बहुत बड़ा यहूदियों का सरदार था, तो उस मुनाफिक ने सोचा कि वहां भी मेरी दाल नहीं गलेगी, और यहूदी को यकीन था कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जाएंगे तो इंसाफ का ही फैसला होगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को मुसलमान कहने वाले बिश्र नामी शख्स के फेवर में नाहक तरीके से फैसला नहीं करेंगे। वो गलत भी हो और उसके फेवर में फैसला कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। खैर ये गए, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के फेवर में फैसला किया और मुनाफिक बिश्र नामी आदमी को आपने उसके खिलाफ फैसला किया, वो जलील हो गया, वो रुस्वा हो गया। याद रखो, अदालतें सिर्फ जिद से आबाद हैं, अगर जिद निकल जाए अदालतें खाली हो जाए। जिद कब खत्म होती है? जब जनाजे उठते हैं। जिद कब खत्म होती है? जब डोरी केस में 10 साल गुजर जाते हैं, बेटी के सर में चांदनी निकल आती है, बाल सफेद होने लगते हैं। जिद कब खत्म होती है? जब जेब हल्की हो जाती है, जब चप्पल घिस जाते हैं अदालतों को फिरते फिरते हैं। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बाद वो मुनाफिक कहने लगा, नहीं 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 नहीं, हजरत उमर के पास चलो, हजरत उमर के पास चलो। और उस मुनाफिक ने ये समझा कि हजरत उमर चूंकि सख्त मिजाज मशहूर है तो यहूदी के खिलाफ फैसला करेंगे और मेरे फेवर में फैसला करेंगे। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के पास वो आया, यहूदी को इत्मीनान था, हजरत उमर सख्त हैं लेकिन हक परस्त भी हैं। वो यहूदी गया, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को बतलाया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया था लेकिन ये नहीं मानता, दोबारा फैसले के लिए आपके पास आया। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु अंदर गए, तलवार ले आए, उस मुनाफिक को कत्ल कर दिया और कहा, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर राजी ना हो उसका यही फैसला है, तलवार ही उसका फैसला कर देगी। यहां पर सवाल पैदा होता है, क्या यह ऐसा जुर्म है कि जिस पर कत्ल का फैसला किया जाए?
तो असल बात यह है कि उस मुनाफिक के वारिसों ने हजरत उमर के खिलाफ दावा भी किया और उसके कुफर कौली फैली की ताबीर भी की, लेकिन चूंकि उसका मुनाफिक होना कुरान की इन आयतों से वाज़ह होता है, इसलिए उसके खून को हद्र करार दिया गया। उसका खून ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से उसका क़िसास लिया जाए, उसका बदला लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आगे की आयतों में फरमा दिया है। इसीलिए मेरी दीनी बहनों, शरीयत को अपनी जिंदगी का हाकिम बनो। सिर्फ नमाज पढ़ना काफी नहीं है, सिर्फ रोजा रखना, हर साल उमरे के लिए जाना, हर साल हज के लिए जाना, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाना, मदरसे में कफालत कर लेना, ये भी बड़ी नेकियां हैं, लेकिन ये काफी नहीं है हमारी मुसलमानी के लिए। जब तक अपनी शरीयत को अपनी तबीयत के खिलाफ जिंदगी के अंदर लाया जाए और अपने तनाजुआत, अपने माली झगड़े, खानदानी तनाजुआत में अल्लाह जल्ल जलालू अमन वालू की शरीयत को ही आखिरी फैसला माना जाए। आगे की आयतों में कहा गया, फला वरब्बी ला युमिनून हत्ता युहक्किमू कफीमा शजर बैनहुम, इनका ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि ये अपने तनाजुआत में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के फैसले पर दिली खुशी के साथ राजी हो जाए, दिली खुशी के साथ राजी हो जाए। हजरत सहाबा रदी अल्लाह अजमाइन के वाकयात है, करोड़ों की जायदाद को छोड़ दिया सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की वजह से, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दिया कुरान के फैसले की वजह से। हम तो माफ करने तैयार नहीं, बदला लेके रहूंगा। हजरत अबू बकर चहीती बेटी पर इल्जाम लगाने वालों को अल्लाह फरमा रहे, अबू बकर माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। चहीती बेटी पर बदकारी का इल्जाम, एक महीने तक गंदी खबरें, अबू बकर माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, हाँ अबू बकर चाहता है कि उसकी मगफिरत हो जाए, अबू बकर चाहता है कि उससे भी माफी मिल जाए। तो बताइए, हजरत अबू बकर को माफी की जरूरत है, हमें माफी की जरूरत नहीं। हम मातहत को माफ कर दें ताकि अल्लाह हमें माफ कर दे। असल यही चीज हमें सीखने की है। बहुत मुबारकबादी के काबिल हैं, खुशकिस्मत है आप लोग के तफसीर का, मेरे अल्लाह ने मेरे मुझसे क्या कहा है, एक मैसेज आ जाए, तबीयत बेकरार रहती है देखे बगैर, खत के जमाने में बेचैनी रहती थी खत पढ़े बगैर, कितनी बाद जिंदगियां हैं, कितनी महरूम जिंदगियां हैं, उम्र बीत गई, अनपढ़ फोन चलाना जानता है, कुरान पढ़ना नहीं जानता, कुरान में अल्लाह के पैगाम को नहीं जानता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस पर कामत अता फरमाए, कुरानी जिंदगी को सीखने, कुरानी जिंदगी पर अमल करने और कुरानी जिंदगी को आलम में फैलाने के लिए अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि।